व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार डे के साथ में, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। ये काफी इंपॉर्टेंट डे है, खासकर किस तरीके से हम लोग सोसाइटी को अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं, मिलिट्री अटैक या फिर नेचुरल डिजास्टर से। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, साइक्लोन, किसी भी तरीके की ऐसी कंडीशन बनती है, तो कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। और 1 मार्च को यहाँ पर यह सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की अगर थीम की बात यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे की जो थीम है 2019 की, यह है चिल्ड्रन सेफ्टी ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो बच्चे हैं, सबसे पहले उनको सेव करो, क्योंकि बच्चों को जो होता है फ्यूचर माना जाता है किसी भी कंट्री का। अगर बच्चे सेफ रहेंगे तो वो कंट्री सेफ रहेगी। तो इसी के साथ में यहां पर ये देख सकते हैं आप लोग, इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है जनरल असेंबली के द्वारा 1990s में यहां पर तैयार किया गया कि ऐसा कुछ हम लोग को डे सेलिब्रेट करना है, तो तब से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर बात करें कोल्ड वॉर के एंड के बाद में, इससे पहले तो मिलिट्री अटैक की कई सारी संभावनाएं रहती थी कि पता नहीं कब मिलिट्री अटैक हो जाएगा, तब तो ये बातें करते थे। पर लेकिन कोल्ड वॉर के बाद में जो इमरजेंसीज वगैरह हैं या फिर डिजास्टर वगैरह हैं, उन सबसे बचने के लिए इसका यूज होने लगा। बिल्कुल आप लोग इसको ऐसे मान सकते हैं, जिस तरीके से अगर मैं यहां पर मैं आप लोगों से बात करूं नेम के बारे में, नॉन अलाइंग मूवमेंट, नॉन अलाइंग मूवमेंट यहां पर काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था इंडिया के द्वारा जब इसको क्रिएट किया गया। क्रिएट क्यों किया गया था, क्रिएट इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए किया गया था, एक साइड में था यूएसएसआर और दूसरी साइड में था यूएसए, तो एक साइड में रशिया जिसको आप लोग आज के टाइम में बोल सकते हैं और दूसरी साइड में यूएसए, दोनों बड़े महारथी थे उस टाइम पर। तो दोनों से बचने के लिए हम लोगों ने एक ऐसा नेम का एक ग्रुप बनाया जिसमें न्यू बॉर्न कंट्री, यानी कि नई नई आजाद कंट्री यहां पर आई और वो नहीं चाहती थी कोई दूसरी कंट्री के पावर के अंडर में आकर फिर से हम लोग किसी का गुलाम बने, तो उस टाइम पर ये काम कर रही थी। पर लेकिन यूएसएसआर का विघटन हो गया 1990s में, तब से लेके अब भी ये नेम काम कर रहा है। तो अब क्या है, इसका काम करने का मुद्दा चेंज हो गया है, अब क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ये सारे जो इस तरीके के मुद्दे हैं उन सब पर ये काम कर रहा है। इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, पहले किसी और काम के लिए नॉर्मली देखा गया था, पर लेकिन बाद में जो है यहां पर आप लोग देखते हैं एक प्रॉपर जो पर्पज रहा वो ये रहा कि कैसे यहां पर फोकस दिया जा सकता है डिजास्टर जैसे इमरजेंसी वगैरह उन सब कंडीशन पर। और थीम काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, यहां पर बात की जा रही है एक छोटे से टेस्ट के बारे में जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और इसके आंसर भी अभी आप लोगों को बताए जाएंगे। सबसे पहले बताया जा रहा है उस राज्य का आप लोगों को नाम बताना है जिसके द्वारा रिवर डॉल्फिन को अभी रिसेंटली स्टेट एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया गया। नाम बताना है इस स्टेट का आप लोगों को। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, आप लोगों को उस एजेंसी का नाम बताना है, गवर्नमेंट की रेगुलेटरी एजेंसी है जिसके द्वारा यहां पर अगर बात करें जो ड्रग्स होती है, इनकी दवाइयां होती है, उनका प्राइस यहां पर कंट्रोल किया जाता है। ये एजेंसी कौन सी है जिसको फॉर्म किया गया था 29 अगस्त 1997 में, काफी है, पता होना चाहिए। आगे यहां पर बात करते हैं एक राज्य के बारे में, एक ऐसा राज्य जो फर्स्ट राज्य है जिसके द्वारा प्राइस मॉनिटरिंग रिसर्च यूनिट जिसको PMRU कहते हैं, ये सेटअप की गई जिसके तहत अगर कोई यहां पर एसेंशियल ड्रग है जो कि ऐसी कंडीशन में आती है कि उसको प्राइस कंट्रोल की कैटेगरी में रखा गया पर लेकिन कोई भी उसको हाई से हाई रेट पर जाकर बेच रहा है और प्राइस कंट्रोल वाले एरिया में उसको नहीं रख रहा है, तो उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेना है, तो ये यहां पर बात की जाती है। तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, तो इसके तहत यहां पर इसको क्रिएट किया गया। तो ओनली एक राज्य ऐसा है जिसके द्वारा यहां पर ये स्टेप उठाया गया इस मुद्दे के ऊपर। इंपॉर्टेंट राज्य है, काफी सदर्न इंडिया का राज्य है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो कि 1983 बैच के आईपीएस ऑफिसर जिनको जो एमपी कैडर के थे अभी उनको सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया है। और सीबीआई जो यहां पर है अपनी पावर निकाल के लेके आती है दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट पुलिस एक्ट जो यहां पर है या फिर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बोलिए इसको 1946 का, इसके हिसाब से यहां पर काम करती है। यानी कि जो सीबीआई है वो एक स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, आप लोगों को देखने को मिलेगा खुद का उसका कोई ला नहीं है, तो इसलिए कई बार आप लोगों से इस तरह क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं किताब के बारे में, अयोध्या सिटी ऑफ फेथ यानी कि एक आस्था की सिटी है और सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि एक मतभेद की सिटी है। ये काफी इंपॉर्टेंट किताब है और जिस तरीके से अयोध्या वाला इश्यू काफी न्यूज में भी है, आप लोगों को ये बताना है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग नेटो बोलते हैं। नेटो यहां पर वेस्टर्न वर्ल्ड की एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहां पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सारे मिलकर साथ में आते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। इसमें अभी एक नया मेंबर ऐड करने की बात की गई है, उस नया मेंबर का नाम आप लोगों को बताना है और कौन से नंबर का मेंबर है ये भी बताना है। काफी लंबे समय से मुद्दा चल रहा था, हिस्टोरिक उसका नेम चेंज किया गया तब जाकर यहां पर इसको ये जगह मिली है इसके अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं या फिर कहीं स्टेटमेंट के बेस पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा, भले ही 0 ही क्यों ना हो पर स्कोर आप लोगों को जरूर लिखना है। आइए अब नजर डालते हैं आंसर्स के ऊपर।
सबसे पहले बात की जा रही है, यह है हमारा राज्य पंजाब। पंजाब के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर रिवर डॉल्फिन, जिसको यहां पर इंडस रिवर के अंदर पाई जाती है। इस स्टेट का एक्वेटिक एनिमल यहां पर बनाया गया, यानी कि जो जल का प्राणी है राज्य का, वो यहां पर अब ये इंडस डॉल्फिन देखने को आप लोगों को मिलेगी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है यहां पर, जिसको एनपीपीए बोलते हैं। ये एक रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहां पर ड्रग प्राइस कंट्रोल का काम करती है हमारी कंट्री में। 1997 में इसका गठन किया गया था। केरला है हमारी कंट्री का वो राज्य जो कि फर्स्ट राज्य है जिसके द्वारा गठन किया गया प्राइस कंट्रोलिंग यूनिट का, जिसको यहां पर एक तरीके से जो दवाइयां हैं, इसेंशियल दवाइयां, खासकर जो बहुत ही रेगुलर बीमारियां होती हैं उनके लिए जो दवाइयां रहती हैं, किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो यहां पर ड्रग प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर सारा काम किया जाता है। तो केरला है वो पहला राज्य। ऋषि कुमार शुक्ला 1983 बैच के आईपीएस ऑफिसर, जिनको अभी सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो सेक्शन 4 के तहत यहां पर जो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से अपनी पावर निकाल के लेकर आता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है सिटी ऑफ फेथ और सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड। ये यहां पर जो किताब लिखी गई है, ये लिखी गई है वाले सिंह के द्वारा। इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको आप लोग नेटो बोलते हैं, मैसेडोनिया वो नई कंट्री बनी है जो कि यहां पर 30वां मेंबर यहां पर इसका बन गया। अब तक यहां पर इसके अंदर 29 मेंबर हुआ करते थे। कब इसका गठन किया गया था नेटो का, और कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, ये दो क्वेश्चन के आंसर आप लोग दीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ता हूं। आगे नजर डालते हैं अपने अगले सेक्शन के ऊपर, जो कि है इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहली न्यूज है आप लोगों के सामने जो निकल कर आ रही है, बात की जा रही है यहां पर यूनानी जो यहां पर दवाइयां होती हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो यूनानी से रिलेटेड यहां पर हमारी कंट्री के जो आयुष मिनिस्टर हैं, श्रीपद यासो नायक, इनके द्वारा अभी फाउंडेशन रखा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ये कहां पर गाजियाबाद में। ये 200 बेड का हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, और पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्री भी यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो काफी इंपोर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, खासकर जिस तरीके से आज के डेट में आयुष के ऊपर काफी फोकस देकर चला जा रहा है, तो उस तरीके से आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं जो अवेलेबिलिटी है यहां पर, खासकर अफोर्डेबल जो हेल्थ केयर की, वो हमारी कंट्री में सिटीजन को काफी जल्दी मिलने वाली है। ये बातें देखने को यहां से मिलती हैं। आगे बात की जा रही है अभी सेंट्रल के द्वारा 1600 करोड़ रुपए यहां पर आंध्र प्रदेश, मणिपुर, झारखंड और राजस्थान, सबसे ज्यादा राजस्थान को दिए जा रहे हैं। तो यहां पर ये चार राज्य हैं जिनको 1600 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। आखिर किसके लिए? नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड है ये, यानी कि सूखा, बाढ़, साइक्लोन, इस तरीके कंडीशन जो पड़ती है उसमें किस तरीके से टैकल किया जा सकता है सिचुएशन को, तो उसके लिए ये असिस्टेंट सेंटर की साइड से यहां पर प्रोवाइड कराया गया है। लैंडस्लाइड, फ्लड, ये सारी चीजें जो देखने को मिलती है, ड्रोथ या फिर साइक्लोन, उसमें यहां पर स्टेट को एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उन्हें बोलते हैं कि डूबते को का सारा काफी है, तो वो काम यहां पर ये इसके लिए करेगा। यहां पर आगे बढ़ता हूं। आगे बात की जा रही है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, तो इंडियन इकोनॉमी की जो बात की गई है मूडीज के द्वारा, ये जो मूडी है यहां पर, ये यूएसए की एक एजेंसी है जो कि एक रेटिंग एजेंसी है। तो मूडी के द्वारा यहां पर ये बोला गया है कि जो इंडियन इकोनॉमी रहने वाली है 2019 और 2020 के लिए, ये 7.3% रहने वाली है। तो देखते हैं किस तरीके से यहां पर एक्सपेक्टेशन ये कंप्लीट हो पाती है, वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। जो फिस्कल ईयर यहां पर स्टार्ट होता है वो आप लोगों को बताइए, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च तक चलता है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यहां पर ये फाइनेंशियल ईयर होता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बात बताई थी, आप लोगों को याद होगी शायद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप लोग ईयर चेक करेंगे तो कब से लेकर कब तक चलता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। डिफरेंट है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और बैंक में कई बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। और बाकी रेटिंग एजेंसी जो यहां पर मूडीज है, इसका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि पर्टिकुलर रेटिंग एजेंसी कौन सी कंट्री है। बात की जा रही है यहां पर यूएसए के जो सेक्रेटरी हैं यहां पर, जो कि इनका नाम है मैक पैम्पियो, इनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट दी गई है, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप लोग बोल सकते हैं। ऐसी स्टेटमेंट नॉर्मली फ्रीक्वेंटली पब्लिक में किसी पर्सनैलिटी के द्वारा, खासकर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के द्वारा नहीं दी जाती है। इन्होंने बोला है फिलिपिन जो कि साउथ चाइना सीमा आप लोगों को कनेक्टेड देखने को मिलेगा, अगर यहां पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, चाइना कोई अटैक करता है इसके ऊपर, तो ये इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 1951 में यूएसए फिलिपिन म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के तहत यहां पर ये यहां पर पिक्चर में आएंगे अगर कोई भी ऐसी हरकत चाइना करता है। तो आइए एरिया को आप लोग एक बार मैप में निहार लीजिए, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए। यहां पर बीचों बीच हो गया हमारा प्यारा भारत, यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग फिलिपिन यहां पर देखने को मिलेगा, ये देखिए एग्जैक्ट है यहां पर फिलिपिन, यहां पर हो गया साउथ चाइना सी। तो ये पर्टिकुलर साउथ चाइना सी, चाइना हमेशा ये बोलता है कि ये मेरा सी है, कंप्लीट एरिया मेरा है। आसपास वाले आइलैंड पर भी यहां पर काफी मुद्दा रहता है, स्पार्टली आइलैंड यहां पर हो गया, इसी तरीके से यहां पर पास्कल आइलैंड आप लोग देखते हैं, कई सारे आइलैंड है जो अलग अलग कंट्री के साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाइना बोलता है कि ये सारे मेरे एरिया है। तो यूएसए ने बोला अगर चाइना ऐसी हरकतें करेगा तो हम यहां पर
फिलिपिन को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बांग्लादेश के द्वारा हाथ खड़े कर दिए गए हैं कि भैया अब रोहिंग्या की कम्युनिटी हमारी कंट्री में नहीं आएगी, यानी कि आज की डेट में 7 लाख यहाँ पर लगभग आप लोग देखते हैं 7.5 लाख लगभग जो रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी है बांग्लादेश में पहुंच चुकी है, क्योंकि म्यांमार में वहां पर उनको एक रहने लायक एरिया नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है और वहां पर आर्मी की मार अलग से देखने को मिल रही है, तो जान बचाकर ही कम्युनिटी वहां पर भाग रही है। तो पास में कौन है यहां पर, पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में ये पहुंच रहे हैं यहां से म्यांमार से सीधे, तो म्यांमार से जो बांग्लादेश से पहुंच रहे हैं तो वहां पर महामारी काफी आज के डेट में आ चुकी है, क्योंकि खाने के लिए खाना भी चाहिए, रहने के लिए वहां पर जगह चाहिए, पीने के लिए पानी भी चाहिए, बीमार है तो मेडिसिन चाहिए, इतनी फैसिलिटी बांग्लादेश प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। तो यहां पर बांग्लादेश ने बोला है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब यहां पर इसका कुछ सोल्यूशन निकालो, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बांग्लादेश के द्वारा बोला गया है। आगे नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है यूएसए और तालिबान के बारे में। यूएसए और तालिबान आपस में बातें कर रहे हैं और बातें कर बात ये की जा रही है कि जो दोहा राउंड है, दोहा आप लोगों को पहले एरिया देखिए है कहां पर, तो वहां पर अभी मीटिंग होगी यहां पर यूएसए की और यहां पर तालिबान की, तो वहां पर क्या किया जाएगा, डिस्कस ये किया जाएगा कैसे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और कैसे आसानी से एग्जिट यहां पर कर सकते हैं, तो यहां अफगानिस्तान से यूएसए वाले, तो ये है यहां पर कतर और कतर में ये देखिए दोहा, यहां पर कैपिटल है कतर की, तो यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये खासकर यूएसए के लिए है। तो ये यहां पर दोहा में यहां पर राउंड चलेगा और उसमें बात की जाएगी कि तालिबान कैसे यहां पर आज के में एक मेन पिक्चर में आ रहे हैं और यूएसए वहां से बाहर निकल रहे हैं अपनी जान बचाकर, क्योंकि काफी बेइज्जती इसकी हो चुकी है, ये बोला था कि तालिबान को खत्म कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, आज के में घुटने टेक चुका है यहां पर और उसी के लिए यहां कैसे स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। इंडिया का यहां पर हमेशा ये वर्जन रहता है कि अगर आप लोगों को स्टेबिलिटी लेके आनी है तो वो अफगानिस्तान ओन स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि कोई बाहर की कंट्री आकर वहां पर स्टेबिलिटी लाए वो पॉसिबल नहीं है और ना ही कभी हो पाएगा। अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए कि खुद की जनता वहां पर चुनाव करे इस तरीके से कि वहां पर खुद की जनता देखे कि किसको यहां पर गवर्नमेंट को चुनके लाना है और उसी को यहां पर इंप्लीमेंट किया जाए, ये सबसे बेस्ट तरीका होगा और ये अच्छा सजेशन भी है एक तरीके से देखा जाए, लोकल लोगों को काम करने दो। केएल राहुल के बारे में बात की जा रही है, काफी न्यूज में थे गलत एक्टिविटीज की वजह से, अब यहां पर जो टॉप 10 T20 प्लेयर हैं उनमें इनका नाम है, काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं, अगर ये हरकतें जो जैसी इन्होंने यहां पर उस टाइम पर करण जौहर के शो पर कॉफी विद करण में बोली थी वो सारी चीजें अगर साइड में रख दें जो कि इनकी पर्सनल चीजें थी, तो यहां पर अगर एज ए प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इनको देखें तो एक शानदार प्लेयर आप लोग इनको बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस के बारे में जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे थे, तो सबसे पहले बात की जा रही है स्पेस मिशन के बारे में जिसका नाम है गगनयान, और ये पूरा टैकल किया जाना है यानी कि कंट्रोल किया जाएगा, कहाँ से ये पूरा कंट्रोल किया जाना है, कर्नाटका में बेंगलुरु से, तो ये इसका एक तरीके से कंट्रोल सेंटर यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया है, तो याद रखिएगा। जनेवा कन्वेंशन के बारे में आप लोगों से पूछा था जो डिटेल में इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, आप लोगों को काफी डिटेल में वहां पर डिस्कस किया गया था, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। थर्ड जनेवा कन्वेंशन 1929 जिसको प्रिजनर ऑफ वॉर भी आप लोग यहां पर बोलते हैं, तो यहां पर इसके तहत यहां पर प्रिजनर ऑफ वॉर पे फोकस देकर चला गया था, जो यहां पर ये कन्वेंशन है प्रपोज किया गया था हेनरी डोनेंट, तो काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनको आगे चलकर 1901 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था और ये वर्ल्ड का फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज था। इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी ए मेमोरी ऑफ सोलफ्रेनो, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, इसका नाम याद रखेगा, ये एक वॉर थी जिसमें ये गए थे और इस वॉर में जाने के बाद में इनकी जो एक तरीके से जो माइंड सेट था वो कंप्लीटली चेंज हो गया, क्योंकि वहां पर इन्होंने जो हालत देखी लोगों की, किस तरीके की वहां पर अस्त व्यस्त बॉडियां पड़ी हुई थी, लोगों की जो बॉडीज थी वहां पर, तो उसकी वजह से फिर इन्होंने क्या किया, ये बोला कि ये नहीं होना चाहिए आगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए, इस किताब के बेस पर आगे चलकर यहां पर ये कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था। CSIR की बात करते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च स्टेब्लिश किया गया था 26 सितंबर 1942 में, फाउंडर जो यहां पर ये है, कई बार आप लोगों से देखिए अलग अलग दोनों है, फाउंडर अलग और डायरेक्टर जो जनरल आज के डेट में होते हैं वो अलग, तो दोनों के नाम आप लोग याद रखते हैं अगर कोई बॉडी यहां पर न्यूज में होती है तो जो फाउंडर है यहाँ पर ये है आरकोट रामा स्वामी मुदलियार और इसी के साथ में शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है, जिनके नाम पर आप लोगों ने अवार्ड भी सुना होगा। उसी के साथ में यहाँ पर जो बात की जा रही है ये है आप यहाँ ये इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, शांति स्वरूप भटनागर आप लोगों को याद होगा, ठीक है, तो उसके बारे में ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है, साइंस से रिलेटेड जो बातें की जाती हैं तो याद रखिएगा। शेखर मांदे यहाँ पर डायरेक्टर है और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है सबसे पहले है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से अगर किसी के बीच में मतभेद है तो उसका सोल्यूशन निकालना, तो ये यहां पर हमारी कंट्री में NDIAC
यानी कि न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, अगर बाहर से कोई कंपनी हमारी कंट्री में काम करने आती है और यहाँ पर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है लोकल एरिया में, तो किस तरीके से सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जा सकता है, उसके तहत यहाँ पर काम किया जाएगा। सीधा सीधा पर्पज आप लोग ये बोल सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने का एक नया एक तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हमारी कंट्री में अगर कोई कंपनी आए तो उनको ये रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह या फिर हाईकोर्ट में चक्कर काटे ना वो और अपना समय बर्बाद ना करें, कोई आर्बिट्रेशन सेंटर यानी कि बीच में अगर मतभेद है उसका सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर एक सेंटर होना चाहिए। ये जो है यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट है और इसको जो हेड करने वाले हैं ये जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और इसी के साथ में हाई कोर्ट के एमिनेंट पर्सन भी यहाँ पर आप लोग इसको देखने को मिलेगा, यानी कि पूरा जो बेंच होगा यहाँ पर जो इसको यहाँ पर टैकल करेगा। फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट बॉडी आप लोग बोल सकते हैं, खासकर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बाहर से कोई काम करने यहाँ पर आता है और उस तरीके से कैसे उसको टैकल कर चलना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जा रही है, तो सबसे पहले जो बात की जा रही है यहाँ पर ये बात की जा रही है वेदर और क्लाइमेट चेंज के बारे में। इंडिया ने और यूके ने दोनों ने मिलकर कोऑपरेट करने की बात की है वेदर और क्लाइमेट के फील्ड में, तो यहाँ पर अभी एमओयू देखने को मिला। इस एमओयू के तहत यहाँ पर दोनों मिलकर काम करेंगे पार्टनरशिप में, किस तरीके से अगर फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन बनती है क्लाइमेट साइंस के बारे में, किस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम है उसको टैकल करके चला जा सकता है, वेदर फोरकास्टिंग, एयर पोल्यूशन या फिर ये सारी जो भी बातें हैं इनके ऊपर कैसे स्टडी यहाँ पर की जाती है कि हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम निकाल के लेके आए, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन यहाँ पर किया जाएगा इन सब चीजों को टैकल करने के लिए। और आप लोग यहाँ पर लोकेशन भी देख सकते हैं, ये आप लोगों के सामने यहाँ पर यूके, ठीक है, तो यूके आप लोग देखिए, यहाँ पर यूके की अगर बात की जाए तो ये हो गया यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड, इसके साथ में यहाँ पर स्कॉटलैंड आप लोग देखते हैं, और ये है इंग्लैंड और ये है वेल्स, इसको मिलाकर यहाँ पर यूके आप लोगों को देखने को मिलता है। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ पर आप लोगों को इसकी करेंसी देखने को मिलती है, लंदन कैपिटल है, ये कुछ बातें आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं, कई बार ये पोर्शन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा इसका पार्ट है। आगे बढ़ता हूँ, आगे जो बात की जा रही है ये राज्य के बारे में बात की जा रही है, तो राज्य से जो न्यूज निकल कर आ रही है कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, मेट्रो हमारी कंट्री में काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है, खासकर अगर सिटीज की हम लोग बात करें, हमारी कंट्री में जो भी सिटीज हैं उनको इस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इस तरीके से इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ताकि हमारी कंट्री में एक अलग ही पैटर्न निकल कर आए। और खासकर देखिए जो भीड़ भाड़ आज के दिन में सड़कों पर मिलती है उसको कहीं ना कहीं बाईपास करने का एक काफी शानदार तरीका आप लोग इसको बोल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो यहाँ पर है वो ये निकल कर आती है कि पोल्यूशन कहीं ना कहीं बहुत लार्ज स्केल पर कम किया जा रहा है इसकी वजह से, और टाइम भी सेव किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग जो बाहर से क्रूड ऑयल खरीद के कच्चा तेल लाते हैं और फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाते हैं यहाँ पर या फिर डीजल, तो वो भी सेव हो रहा है, इस तरीके से दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी भी काफी कम हो रही है। तो ये तमाम मुद्दे काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है अलग अलग सिटीज में, तो कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूवल किया गया है कानपुर के लिए भी, जैसे दिल्ली आप लोग देख सकते हैं इंप्लीमेंट किया जाना है, ताकि ये सब चीजें जो हो सके, मैंने अभी आप लोगों को बताया सारी चीजें टाइम कॉस्ट सब चीजें यहाँ पर कम हो सके, इसी के लिए स्टेब्लिश करने के लिए जो यहां पर एक तरीके से जो कॉस्ट आने वाली है ये बोला जा रहा है लगभग 11,000 करोड़ के करीब यहां पर ये कॉस्ट आने वाली है, और ये कंप्लीट होने वाला है 5 साल में, तो इंपॉर्टेंट है। लगभग 40 लाख जो पॉपुलेशन है एक्सपेक्टेड यहां पर इससे फायदा पहुंचने वाला है इस मेट्रो प्रोजेक्ट से, ओके, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। बाकी अगर कानपुर मेट्रो के बारे में बात की जाए तो हल्का सा आप लोग देखते हैं जो यहां पर इसके बारे में आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन है, तो जो स्टडी वगैरह यहाँ पर थी वो आप लोगों को देखने को मिली यहाँ पर जून 2015 तक कंप्लीट कर ली गई थी, अब कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा प्रोजेक्ट को वो बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। नेक्स्ट यहाँ पर काफी बड़ा एक मास्टर प्लान आप लोग इसको बोल सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये मास्टर प्लान एम्स के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो हमारी कंट्री में दिल्ली में एम्स है उसको एक तरीके की मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही है, और ये एक तरीके की मेडिकल यूनिवर्सिटी जो होगी वो एक वर्ल्ड क्लास मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी, जो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट आप लोग ये बोल सकते हैं। जिस तरीके से एम्स है और हमारी कंट्री में आने वाले टाइम में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके बेस पर हम लोग एक अच्छे लेवल की हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो एक ऐसा वर्ल्ड क्लास लेवल की फैसिलिटी वाला कोई इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री में होना चाहिए, तो काफी कुछ प्लान इसके लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट 20 ईयर में देखते हैं कहां तक इसको चेंज किया जाता है, इसके लिए अलग से फैसिलिटी देखने को मिलेगी, रिकंस्ट्रक्शन यहां पर करना पड़ेगा, फिर से डेवलपमेंट काफी कुछ देखने को मिलेगा, काफी कुछ यहां पर शानदार तरीके आप लोग ये बोल सकते हैं जो कि दिल्ली में ये फैला हुआ नजर आएगा, एक शानदार तरीके का कैंपस, तो पूरा इनोवेटिव यहां पर एक तरीके का प्लान बनाने की कोशिश इसको की जा रही है। तो कौन सा एम है, ये है एम्स है न्यू दिल्ली का, तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है आप लोगों से। आगे बात करते हैं यहां पर बैंकिंग और इकोनॉमी के बारे में, तो जो न्यूज निकल कर आ रही है ये आ रही है नेशनल हाउसिंग बैंक बनाने की बात की जा रही है, जिसके तहत यहाँ पर हमारी कंट्री में
जो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट है 1987, ये अभी देखने को मिलेगा 2018 में, इस तरीके से स्टेब्लिश किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, जो कि यहाँ पर खासकर अगर जो प्रोजेक्ट है स्टेब्लिशमेंट करना है हाउसिंग फाइनेंस के लिए, तो यहाँ से हेल्प प्रोवाइड कराई जा सकेगी। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अब यहाँ पर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, उसके लिए फाइनेंस करने के लिए एक अलग से बैंक आप लोगों को देखने को मिलेगा। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एक तरीके से रोल जो है अब तक आरबीआई के अंडर में काम यहाँ पर इसके द्वारा किया जाता था, अब यहाँ पर ये आरबीआई के अंडर से हटाकर गवर्नमेंट इसको अपने अंडर में ले रही है, इस तरीके से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। तो यानी कि नया एक रोल आप लोग देखते हैं गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है, यानी कि अब तक ओनरशिप आरबीआई के हाथ में थी, क्योंकि आप लोग देखते हैं NHB एक्ट 1987 के हिसाब से इसको बनाया गया था। अब यहाँ पर अलग करने की बात की जा रही है आरबीआई से, आरबीआई की हटा के अलग इसको क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंदर रखेगी, ताकि यहाँ पर अगर कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट आने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के या फिर हाउसिंग के, जैसे अर्बन हाउसिंग या फिर गांव में घर बनाने हैं, इस तरह कोई प्रोजेक्ट है, उसको गवर्नमेंट आसानी से टैकल कर चल सके, तो उन सब बातों पर फोकस करने के लिए यहाँ पर नेशनल हाउसिंग बैंक है, जो कि अभी न्यूज में है। आगे चलता हूं, आगे कुछ इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में, हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गठन किया गया था, इसके लिए एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर इसको नेशनलाइजेशन की, तो 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो गवर्नर है यहाँ पर ये शक्तिकांता दास, ठीक है। और यहाँ पर एक तरीके से जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है किसके बारे में, नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में। इसका गठन किया गया था आप लोगों के सामने, यहाँ पर फाउंड किया गया था 9 जुलाई 1988 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। यहाँ पर श्री राम कल्याण रमन, यहाँ पर इसके आज के डेट में मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप लोग इनको बोल सकते हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन थी, अब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी, पर अब यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करेगा। आगे एक स्पोर्ट न्यूज है जो कि दिल को छूने वाली है, जो कि मुझे काफी पर्सनली अच्छी लगी। यहाँ पर जो बात की गई, ये की गई सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स के बारे में, यानी कि एक सेंटर बनाया जाएगा जो कि यहाँ पर प्रमोट करेगा अगर डिसेबल सेक्शन है सोसाइटी का, उनको कैसे हम लोग स्पोर्ट के अंदर लेकर आ सकते हैं, तो ये काम करेगा। तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में सेटअप करने की बात की जा रही है अंदर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इस एक्ट के हिसाब से यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके लिए 170 करोड़ रुपए लगभग देना है, और 5 साल के अंदर यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। इफेक्टिव पार्टिसिपेशन यहां पर खासकर जो डिसेबल सेक्शन है उसे कैसे सोसाइटी में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ये न लगे कि कुछ अलग चल रहा है दुनियादारी में, इनको भी ऐसा लगे कि हाँ हमारी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है जैसा कि एक नॉर्मल इंसान की लाइफ है, तो उनको किसी भी तरीके से गलत नजरों से न देखा जाए और सोसाइटी में इंक्लूड करने की कोशिश करने की बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एक स्कीम के बारे में, ये जो स्कीम है ये अभी रिसेंटली आप लोगों को बजट में देखने को मिली, यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो इसके बारे में आप लोगों के सामने यहाँ पर जो स्कीम है, ये बोला गया था कि यहाँ पर एक मंथली पेंशन देने की बात की जाएगी 60 साल के बाद में, अगर जो यहाँ पर इसको ज्वाइन करता है इंसान कोई, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर जो इसको ज्वाइन किया जाता है फिर 60 साल के बाद में 3,000 रुपए की जो पेंशन होगी वो देखने को मिलेगी, और खासकर किसके लिए, यह अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए अनाउंस की गई थी ये इंटरिम बजट में, शायद तो काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, खासकर एक बार जब एज हो जाती है तो उस टाइम पर अगर कोई पेंशन ऐसी आती रहे तो वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है इंसान को एक स्टेबल पर्सनैलिटी बनाने में। बात करते हैं एक नेशनल पार्क के बारे में, तो जो नेशनल पार्क है ये सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ये है आप लोगों के सामने इसकी लोकेशन। पॉलिटिकल आप लोगों का रिविजन है, यहाँ पर बात की जा रही है डिफरेंस क्या क्या है, पॉलिसी बिल एक्ट और ऑर्डिनेंस सब में क्या क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए, और डिटेल में यहाँ पर मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप लोग बताइएगा यहाँ पर इनकी डेफिनेशन लिखकर कि आप लोगों को क्या इसके बारे में समझ में आया। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, तो वो जो यहाँ पर हमारी कंट्री के द्वारा यहाँ पर पाकिस्तान का प्लेन गिराया गया था, ये था F-16, ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर। अगर बात करें यहाँ पर ये 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की बात की गई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के द्वारा, और जो थीम थी यहाँ पर 50 ईयर ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन रोड मैप फॉर प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया, और ये काफी इंपोर्टेंट है, फर्स्ट टाइम ऐसा पार्टिसिपेशन हमारी कंट्री की साइड से देखने को मिला। यूनाइटेड स्टेट और नॉर्थ कोरिया दोनों मिले यहाँ पर हनोई में, पर लेकिन चाचा भतीजा के बीच में जो यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं निकल पाया और एक दरार बढ़ गई, तो देखते हैं कैसे आगे चलकर फिर से आगे मीटिंग होगी या नहीं। शांति स्वरूप भटनागर जो प्राइज है यहाँ पर, ये नेशनल साइंस डे के उपलक्ष्य में आप लोगों को देखने को मिलता है, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। बात की जा रही है यहाँ पर
फरवरी 13 का डिसीजन आया था 21 राज्य में, खासकर 11.8 लाख जो इलीगल ट्राइबल कम्युनिटी हैं या फिर जो यहाँ पर फॉरेस्ट ड्वेलर हैं उनको बाहर करने की बात की गई थी, पर लेकिन बाद में यहाँ पर इस पे स्टे लगाने की बात की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस ऑर्डर पर बात की जा रही है यहाँ पर जो पीयूष गोयल जी के द्वारा अनाउंस किया गया साउथ कोस्ट रेलवे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, न्यू रेलवे जोन आप लोगों को देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पर जो जापान है दोनों के द्वारा मिलकर बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट की बात की गई जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने जाना था चेस के बारे में, तो हमारी कंट्री के जो प्लेयर अभिजीत गुप्ता इनके द्वारा यहां पर ये उठाया गया है, यहां पर जो ये इस बार का जो मास्टर ये ग्रांड मास्टर यहां पर खिताब है ये कैनीज इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी, ठीक है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए नजर डालते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में आप लोगों का क्विज होगा जो कि आप लोग अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर नजर डाली ये वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के बारे में। नेक्स्ट यहां पर जो बात की गई ये बात की गई क्विज के बारे में, अच्छा सिविल सर्विस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है हमारी कंट्री में, पता है आप लोगों को, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे यहां पर बात करी गई हम लोगों के द्वारा, ये यहां पर बात की गई यूनानी के बारे में, इसके लिए यहां पर एक सेंटर स्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की सेंटर के द्वारा जो फंड देने की बात की गई कुछ राज्य को। नेक्स्ट यहां पर मूडीज के द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया, बांग्लादेश ने बोल दिया है कि वो यहां पर नहीं पार्टिसिपेट करेगा, नहीं और रोहिंग्या कम्युनिटी को अपने यहां पर आने देगा। इसके अलावा जो बात की गई यहां पर आगे, ये जो बात की गई ये यहां पर आप लोग देखते हैं ये यूएसए के द्वारा फिलीपीन के सपोर्ट में आने की बात की गई है अगर चाइना उल्टी सीधी हरकतें करता है। यूएसए और तालिबान आपस में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहा है, और केएल राहुल के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन के आंसर शानदार तरीके से दिए गए हैं, इसी तरीके से पार्टिसिपेट आप लोग करते रहना है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जो जाना ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आई आप लोगों के सामने न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने बात की वेदर और क्लाइमेट पर इंडिया और यूके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, इसके साथ में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर एम्स को किस तरीके से मास्टर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल फैसिलिटी, देखते हैं कैसे होगा। नेशनल हाउसिंग बैंक जो कि आरबीआई के अंदर से बाहर निकालने की बात की गई, इसी के साथ में एक स्कीम के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर डिसेबिलिटी स्पोर्ट को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, ये नेशनल पार्क था पॉलिटिकल रीजन, और ये था कल के क्वेश्चन। अब देखते हैं आज का क्विज, आज का क्विज आप लोगों के सामने, यहां पर हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर हैं खासकर आयुष मिनिस्टर श्रीपद यशो नायक, इनके द्वारा यहां पर भी फाउंडेशन रखा गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन NIUM, कहां पर इसका फाउंडेशन रखा गया। सेंटर के द्वारा 1600 करोड़ रुपए यहां पर रिलीज किए गए आंध्र प्रदेश मणिपुर और झारखंड, एक राज्य और है जिसके लिए यहां पर रिलीज किया गया और सबसे ज्यादा उसी को जा रही है मनी, तो ये नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के लिए, राज्य का नाम आप लोगों को बताना है। किस एजेंसी के द्वारा यहां पर ये बोला गया 7.3% रहने वाला है कैलेंडर ईयर 1920 के लिए हमारा ग्रोथ, यूएसए की एजेंसी है। मैक पैम्पियो यहां पर जो कि यूएसए के सेक्रेटरी हैं, इसके द्वारा बोला है कौन सी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए साउथ चाइना सी में, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को बताना है कि कौन सी कंट्री ने बोला है कि म्यांमार से अब रोहिंग्या रिफ्यूजी को आगे नहीं आने दिया जाएगा। यूएसए और तालिबान दोनों यहां पर मिलकर मीटिंग कर रहे हैं, कहां पर, यहां पर ये बात की जा रही है अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने की, और यूएसए को वहां से बाहर निकलने की बहुत जल्दी पड़ी हुई है। नेक्स्ट यहां पर एक प्लेयर का नाम आप लोगों को बताना है जो कि टॉप 10 में है इंडियन प्लेयर T20 रैंकिंग में, काफी न्यूज में भी थे ये, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर किया कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। इसी के साथ में जो क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर जरूर दिया कीजिए, आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।